अभी मिली ही नहीं है इनको, तो हमको कहाँ से देंगे। अच्छा अच्छा, अभी आपको भी नहीं मिली? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तो हम लोग लाइन में खड़े हैं सुबह से, सर्वर का हमेशा प्रॉब्लम। दिवाली के बाद आएंगे किट। कुछ नहीं आने वाली आपकी, ये सब छूते भाई लोगों को। अच्छा, सरकार जो भी है वो लोग, दिवाली जाने के बाद में आपकी किट आई तो कोई मतलब नहीं है ना उसके लिए, जब भूखे पैसे लोग गौर गरीब है आशा लेके बैठे, अभी तक किट नहीं पहुंची है तो क्या करेंगे? वो आया नहीं तो दे नहीं रहा। वो आने से बोलती है गरीबों की हित कर रही है, तो कहाँ आया है सरकार, सरकारी माल कहाँ आया और कहाँ है? ये सब लोग खड़े है इंतजार कर रहे है हमारे घर में, कौन खिलाने वाला है? कुछ पूरन की रोटी वोटी बनाएंगे खाएंगे। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज, मैं विजय खौसे। आज मैं यहाँ पर नागपुर के एक राशन दुकान पर आया हूँ। हम जानते हैं कि गरीबों तक ये जो राशन पहुँच रहा या अहिया नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि सरकार ने एक सीधा आनंददाता का एक जो स्कीम चलाई है, जिसके तहत जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 100 रुपये में जो एक धान्य की किट देने का ऐलान किया है, हम उसी की तहकीकात करने आए हैं। दीपावली पर जीरो डाउन पेमेंट पर खरीदी करें, आइए अजय इलेक्ट्रॉनिक्स वाड़ी। दशहरा दीपावली पर विशेष ऑफर धमाका, एलईडी खरीदने पर होम थिएटर फ्री, फ्रिज खरीदने पर मिक्सर फ्री, वॉशिंग मशीन खरीदने पर प्रेस फ्री, मोबाइल खरीदने पर वायरलेस हेडफोन फ्री, अन्य वस्तुओं पर भी दीपावली ऑफर धमाका। एक बार अवश्य भेज दे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स को और ले जाइए अपने पसंदीदा वस्तुएं। कि वाकई में शहर में लोगों तक के ये जो किट है, जो सरकार ने जो ऐलान किया है किट देने का, जिसमें चावल, जिसमें शक्कर है, दाल है, रवा है और ये तमाम चार चीज़ें हैं, और एक ऐसी किट बना के तमाम लोगों को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो दिवाली का पर्व है, और दिवाली के पर्व के ऊपर में ये जो तमाम लोग जो है, देखिए ये जो राशन की दुकान में कैसी भीड़ हुई है, आप इधर भी बताइए, थोड़ा यहाँ पर भी बताइए। तमाम लोग जो है बैठे, देखिए सुबह से बैठे हैं ये लोग, जो किट मिलना चाहिए इनको, इसलिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। वाकई में सरकार की तरफ से इस कंट्रोल की दुकान में जो किट आई है या नहीं आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के जो है राशन दुकानदारों का सवाल भी है कि माल नहीं पहुँचा है। राज्य की शिंदे सरकार ने दीपावली पर महज 100 रुपये में रवा, शक्कर, चाल लेना देने की घोषणा की है। अभी तक के जो है नागपुर में 385,000 किलो चना दाल की जरूरत है, अब तक जो 385,000 किलो का वो जरूरत है, लेकिन अब तक 114,000 ही पहुंची है, ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है। 600 के ऊपर में नागपुर शहर में राशन की दुकान है, आप देख सकते हैं कैसा जो लोग यहां पर, बताइए सर, लोग तमाम जो लोग है, दिवाली का पर्व है और दिवाली के हर पर्व पे हर गरीबों के घर में खुशियाँ मनाना चाहिए, इसलिए सरकार ने जो योजना 100 रुपये किट देने की योजना की है, मगर लोगों के घरों तक के वो किट नहीं पहुंच रहे, बहुत लोग क्यों लोगों की निराशा हो रही है। लोग सुबह तक के बैठते हैं, अभी थोड़ा इनसे भी जानते हैं हम, थोड़ा किट के बारे में पहले हम जानेंगे, राशन दुकानदार से जानेंगे, बाद में फिर हम लोगों से भी जानेंगे कि वाकई में लोगों को किट मिल रही या नहीं मिल रही। थोड़ा सा हम राशन दुकानदार से मिलेंगे, थोड़ा भैया निकाल लीजिए किस तरीके से किट है और लोगों को वाकई में क्या 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 मिल रहा है, ये थोड़ा बताइए क्या क्या मिल रहा है लोगों को इस पर। अभी हमारे यहाँ से गेहूँ चावल मिल रहा है सिर्फ, और बोलिए दाल वगैरह और रवा वगैरह आने का है। मतलब पूरी किट आपके यहाँ तक ही पहुँची नहीं? अभी तक नहीं पहुँची है। हाँ। शक्कर और तेल आ चुका है, 8 दिन हो गया है अभी, और रवा और चना दाल आने। क्या लोगों को आधी किट आप दे रहे क्या फिर? नहीं, अभी वाटअप नहीं हो रहा है, किट का वाटअप नहीं हुआ अभी तक के। शासन का ऐसा आदेश है कि जब तक पूरी चारों चीजें उपलब्ध नहीं होती तब तक किट का वाटअप नहीं कर सकते। कल तो अभी दिवाली है, आज आने का वादा किया है उन्होंने 12-1 बजे तक के पूरा माल। मान लो 12-1 बजे तक ये किट आती है तो आपके पास में कितने लोग हैं राशन वाले लेने वाले? मेरे पास 1600 लोग हैं। अब 1600 लोगों में एक दिन में कैसे बांट देंगे आप? वो देखेंगे, पूरा महीना बांटना पड़ेगा दिवाली का। लोगों का क्या रोष है यहाँ पे? लोग तो बहुत परेशान है, रोज आज के वापस जा रहे, सर्वर डाउन है 5 दिन से। अच्छा अच्छा, सर्वर का भी प्रॉब्लम है? सर्वर का भी प्रॉब्लम है, 5 दिन से सर्वर आ नहीं रहा है। अच्छा, लोग आगे 4-4 5-5 बार आगे वापस जा रहे हैं।
और काफी परेशानी है हमको। क्या आपने जो आपके पास में किट आई नहीं तो आपने जो अधिकारियों को कहा है कि हम पूरा किट भेज दीजिए करके? अधिकारी को तो बोले वैसे वो बोले आ जाएगा। हाँ। और आज भी फोन, दो दिन पहले भी फोन किए थे, वो आते किए थे उधर को। देखिए ये है सच्चाई, ये जो राशन जो दुकान है इनके तक अभी तक की किट पहुंची नहीं है, लेकिन जो आम लोग जो है उनको ये पता नहीं रहता है कि किट आई या नहीं है। वाकई में जो है सरकार की तरफ से जो है राशन के दुकानदारों तक के अभी तक के किट पहुंची नहीं है, इसलिए थोड़ा रास्ते के बाजू से आई है क्योंकि ट्रैफिक भी जाम नहीं होना चाहिए। भाजी आप क्या किट लेने आई है? अवेलेबल ही नहीं है। हाँ। अभी मिली ही नहीं है इनको, तो हमको कहाँ से देंगे? अच्छा अच्छा, अभी आपको भी नहीं मिली? नहीं कुछ भी नहीं, अभी तो हम लोग लाइन में खड़े हैं सुबह से, सर्वर का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। एनी मंथ कुछ ना कुछ सर्वर का प्रॉब्लम रहता ही है। अच्छा। यानी सर्वर का इतना क्यों प्रॉब्लम होना, एक तो ऑनलाइन प्रोसेस किया है तो फिर आपको ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, हमको सुविधा देनी चाहिए ना। बिल्कुल, हम लगे बिना तो अब कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए सुबह से शाम तक बैठे रहो, दुकानदार भी क्या कर सकते। बिल्कुल, आपने सुना है किट तो नहीं आई लेकिन सर्वर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर्वर के लिए यहाँ पर लोगों को क्या बोले, यहाँ पे तो कभी कोई किट मिलती नहीं है। अभी तो दिवाली की किट आने वाली है, अभी तक उन्होंने बताया नहीं ऐसे कोई किट आया हुआ है या तो सरकार ने ऐलान किया है कि मिलने वाली है करके। अब ये जब देंगे तब हमको मिलेगा सर, ये लोग बताएंगे नहीं तो पता। आप देख सकते हैं कैसी ये जो लाइन लगी है, पूरे महिलाओं की लाइन लगी है। ये जो है दीपावली है, दीपावली पे जो 100 रुपए किट का जो जो सरकार ने जो ऐलान किया है उसके लिए सब लोग, वाकई में सभी लोगों को किट जो है मिलना चाहिए। और सरकार ने कहने के मुताबिक जो अभी तक 8 दिन के पहले ही किट दुकान पे आना चाहिए था, मगर वो किट अभी तक के आई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं एक बाबा जी, राशन लेने बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी क्या काय के लिए है? अरे राशन लेने आए थे। बोलो ना। ये राशन लेने लड़की का कार्ड नंबर लगाया है। अभी तक मिला नहीं। किट मिली क्या? किट नहीं मिली। नहीं मिली क्या? नहीं। आपको मामू? नहीं मिली क्या? देखिए दिवाली अभी, कल दिवाली है और किट अभी तक कहने नहीं, थोड़ा ट्रैफिक जाम मत करिए। देखिए आप भीड़ बताइए पूरा, ये जो सारे लोग जो है, आप भीड़ बताइए, सारे लोग जो है ये किट लेने आए हैं। देखो तमाम जो भीड़ जो है, हम बता रहे हैं आपको हमारे कैमरे के अंदर में, ये दीपावली की किट लेने आए हैं, मगर राज्य शासन ने अभी तक के राशन की दुकान पर किट भेजी नहीं है। ऐलान तो किया है कि हम 100 रुपए में किट देंगे, मगर सरकार का ऐलान यहाँ तक के अभी तक पहुँचा नहीं है, लोगों तक पहुँचा है। देखिए जो गरीबों की किट जो लोगों तक की आप जो है किट पहुंचा ही नहीं सकते, तो ऐलान क्यों किया है ऐसे ही लोगों का मानना है। और भी हम आपको दूसरी जो जगह ले चलेंगे और वहां का भी बताएंगे, दूसरी कंट्रोल में क्या पोजीशन है, वहां पर किट आई या नहीं आई, क्योंकि यहां पर जो है यहां पर तो किट नहीं आई है। हम ले चलते हैं आपको और दूसरी राशन की दुकान पे। तो चलिए, सरकार का आनंदा का सीधा लोगों तक पहुंचा क्या, इसकी जांच करने हम पहुंचे हैं। अभी अभी हम यशोधरा के जो एक राशन की दुकान का हमने जायजा लिया है, वहां पे हमने पूछताछ की है लोगों से। अभी हम एक यहाँ, ये कौन सा एरिया है, यादव नगर पे हम अभी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम जो है लोग कतार से लगे हैं, आनंदाचा सीधा यानी 100 रुपए की जो किट है वो लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इन लोगों तक के 100 रुपए की किट आई या नहीं आई इसका हम जायजा लिया है, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि सभी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, दीपावली के उपलक्ष्य पर उनके 100 रुपए की हम किट देंगे, मगर किट यहाँ पर पहुंची या नहीं पहुंची हम सीधा अभी राशन के दुकानदारों से पूछेंगे। यहाँ पर भी किट आई है या नहीं आई अभी हम राशन के दुकानदार से पूछेंगे थोड़ा। कौन मालिक कौन है? अच्छा, दोनों मालिक है, थोड़ा सा आप इधर होइए। जो सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को 100 रुपए की किट हम दिवाली के पर्व पर देंगे, आपके राशन में किट पहुंची है? तिल और शक्कर आई थी, बाकी कुछ नहीं आया, रवा और नहीं, सरकार ने बोला था किट जिसमें चार जो वस्तुएं है और उसमें दो आइटम आ चुके हैं, दो आइटम आने के। अच्छा, दो आइटम मतलब पूरा किट नहीं आई है? नहीं, रवा और चना दाल बाकी है। तो किट का झोला भी नहीं पहुंचा आपके साथ? नहीं पहुंचा अभी तक, नहीं पहुंचा। तो लोग आपको किट मांग रहे हैं क्या दिवाली पर? मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे, हमको चारों साथ में बांटना है। कैसा जवाब देते लोगों को आप? हम बोले बाद में आई है, दिवाली बाद आई है। अच्छा, आज के पेपर में तो आया है ना? हाँ बराबर है, और मशीन भी काफी स्लो है, और मशीन बहुत टाइम लग रहा है, एक कार्ड को आधा घंटा लग रहा है। क्या आपने ये जो किट की मांग की थी? हाँ की थी ना, पर वहाँ स्टॉक अवेलेबल नहीं है बोलते। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी हम यादव नगर के जो राशन कार्ड की दुकान पे आए हैं,
यहाँ पर भी किट आई नहीं है और यहाँ के भी लोगों से हम थोड़ा जानेंगे कि ये आप तक के किट मिली है या नहीं मिली है। हम थोड़ा देखिए बैठे हैं लोग। हाँ, कौन सी किट? धान्य की किट। कब से आए हैं यहाँ पर? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से बैठे हैं अभी तो। हाँ, क्या कहेंगे? सरकार ने तो बोल दिया कि किट देंगे, आप सरकार को क्या बोलेंगे किट नहीं पहुँची तो? क्या बोलेंगे तो किट आएंगे जो फिर ऐलान तो किया है ना सरकार ने देंगे करके, अभी दिवाली कल है, फिर दिवाली के बाद आएंगे किट। देखिए दिवाली के लिए सरकार ने ये किट का ऐलान किया है मगर लोगों तक के दिवाली तक के किट पहुंची नहीं। कर्ण का भी जायजे ले, वहाँ पर भी किट पहुँचनी है। हम यादव नगर में पहुँचे हैं, यादव नगर के राशन दुकानदार में भी किट, यदि मान लो सरकार ने तो ऐलान किया है कि 100 रुपए में हम किट देंगे, लेकिन आज का दिन जो है कल दीपावली है, तो क्या सरकार का ऐलान जो किया है या क्या सही है? और भी हम ले चलेंगे और दूसरे दुकान। अभी हम और एक तीसरे कंट्रोल की दुकान पे आए हैं, वहाँ पर भी पूछते हैं हम कि जो सरकार ने जो किट का जो देने का वादा किया था, यहाँ तक कि किट पहुँची है या नहीं पहुँची है, और यहाँ पर भी पूछते हैं। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, अब बताइए थोड़ा आप इधर में थोड़ा, यहाँ पर तो ज़्यादा भीड़ नहीं क्योंकि किट ही नहीं मिल रही, इसलिए लोग भी नहीं आ रहे होंगे और राशन के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा हम राशन की दुकानदार से भी थोड़ा जानना चाहेंगे। भैया क्या बताऊँगे, जो सरकार का ऐलान जो किया है कि ये किट देंगे हम गरीब लोगों के लिए दिवाली के पर्व पर, क्या किट आपके यहाँ पे आई है? नहीं ना, हमारे यहाँ किट नहीं है, सिर्फ चक्कर और तेल आया है। अच्छा, और बाकी कुछ नहीं है, ऊपर से थम भी लेंगे, चार लेना है। अच्छा, चार चार थम? हाँ, किट के पीछे चार थम लेना है, एक शक्कर के लिए, एक रवे के लिए, एक दाल के लिए, एक तेल के लिए। इसमें कितना समय जाता फिर? कम से कम ये देखो अभी एक थम के लिए मेरे को 10 मिनट लग रहे, मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा। हर वस्तुओं के लिए थम लेना पड़ रहा है, चावल के लिए अलग है, दाल के लिए अलग है, सभी के लिए, गेहूँ के लिए अलग है, 6 थम लेना है मतलब एक कार्ड के पीछे। तो कितना समय जाता है आपका? कम से कम ये देखो अभी मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, उनका एक थम लिया 5 मिनट हो गए, अभी दूसरा थम डाला अभी 10 मिनट हो गए, आया नहीं। आधा घंटा से 15-20 मिनट लग रहे, अभी अभी खुला, अभी इसका थम होने के बाद अभी टाइम लग रहा है। तो ये सारी जो चीजें जो है आपको जो दिक्कतें हो रही है आपने अधिकारियों को बताया? सबको, उनको अधिकारियों को सब पता है, वो डायरेक्ट बॉम्बे से बोलते हैं, मंत्रालय से, यहाँ से कुछ भी नहीं है, इनका नेटवर्क भी, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। तो ये समय जो लगता है तो फिर लोगों की क्या परेशानी है? आपको तो लोग परेशान करते होंगे। मेरे को परेशान करते, मैं पर सबको हैंडल कर लेता वैसे भी। कितने लोग है यहाँ पे अपने राशन? 300 कार्ड है बस, 300 कार्ड है, जिनके पास है 1500-2000 है उनके पास कर दिए। मेरे पास किट कब आने वाली है पूरी, उसका गारंटी नहीं है क्योंकि मैं लोगों को खुद बोल रहा हूँ कि अभी आएंगे कल आएंगे कल आएंगे, उधर से अधिकारी भेज रहे नहीं, उनके पास भी माल नहीं है ना। कितने दिन से नहीं आई किट? क्योंकि देखो उत्तर नागपुर में ज्यादा से ज्यादा 50 ट्रक होंगे, 50 ट्रक वाले पूरे उत्तर नागपुर को अवेलेबल नहीं कर सकते क्योंकि किसी के 2000-3000 कार्ड के दुकान को ऐसा अवेलेबल करेंगे, इसलिए उनको टाइम लग रहा है। ऊपर से वहाँ पे गोडाउन में भी माल नहीं है ना, गोडाउन में। देखिए ये उत्तर नागपुर की हम अभी तक के 3 कंट्रोल की दुकान को हमने भेज दी है, तीनों कंट्रोल की दुकान पर किट पहुंची नहीं है, आधी किट पहुंची है, और वो जो किट जो बनी हुई है जिसके ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, मुख्यमंत्री जो है सिंधे का फोटो है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोटो है, ऐसी एक किट बनी है मगर वो जो किट जो है विज्ञापन वाली उनकी किट अभी तक के दुकान पे पहुंची नहीं है, जिसमें से केवल तेल और शक्कर आई है, तेल और शक्कर यहाँ पर पहुंची है, वो आधी किट है, मगर वो आधी किट आप दे रहे क्या लोगों को? नहीं ना, उसमें मशीन में माल ही नहीं आ रहा। अच्छा देखिए उसमें माल नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम यहाँ का है, वहां तक के तो किट दो चीज तो पहुंची है, दो नहीं दे सकते हो पूरा। अच्छा। चारों दिन अवॉइड है क्योंकि वो किट के साथ डायरेक्ट उनका लोबा। तो सरकार ने 4 वस्तुएं नहीं पहुंचे, 2 पहुंचा दिए। हाँ, 2 पहुंचा दिए, और उसमें भी फिर सिस्टम में डाला है कि 2 नहीं दे सकते। हाँ, 2 नहीं दे सकते पूरे चारों। देखो कितना पेचीदा ये विषय है, 2 चीज यहाँ पर भेज दी है और मगर 2 चीज ये मशीन अलाउड नहीं कर रही है। मशीन अलाउड करती है पर अपने पास चारों का होना, उसमें चारों का नहीं होता ना, चारों का जब तक स्टॉक नहीं है इसमें डाल नहीं सकते, स्टॉक का अपन कैसे 2 का डालेंगे? अच्छा, हाँ, फिर 2 ग्राहक को दिया, फिर ग्राहक झंझट करेगा मेरे से। अच्छा, 2 अपन 2 चीज दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, पर अभी वो जब तक चारों नहीं आते तब तक बांटने का आदेश भी नहीं है ना हमारे को। अच्छा देखिए जब तक चारों चीजें कंट्रोल की दुकान पे नहीं आएंगी, प्रधानमंत्री का जो आदेश बोरी आती है, बोरी उसी में देना है अपने को। अच्छा जो बोरी आएंगे मुख्यमंत्री के फोटो लोबो वाले आएंगे, उप मुख्यमंत्री के फोटो रहेंगे, वही लोबो पे देना है अपने को। हाँ। तो 2 कैसे देंगे? उसकी बोरी भी नहीं है हमारे पास अभी तक के, वो ये भी बोरी भी नहीं है, जो बैग आती है ना वो बैग नहीं है। हाँ, बैग नहीं है जिसमें किट भर के देना है, वो बैग भी नहीं है।
देखिए हम बताएंगे यहाँ पर जो जो उनकी जो बैग बनी है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, वो बैग भी यहाँ तक के पहुँचनी, हो सकता है उनकी बैग यहाँ पे पहुँचनी, इसलिए वो चारों चीज़ें भी दो चीज़ भेज दिए, दो चीज़ भेजने के और पूरी किट ही उनको देना है, और वहाँ पे जो है उन नेताओं की जो फोटो वाली बैग है वहाँ तक के पहुँचनी है, जिसके कारण कल दिवाली है और दिवाली के समय ये किट मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक के पूरी किट लोगों के घरों तक के पहुँची नहीं है। थोड़ा लोगों से भी जानेंगे, आप दीदी आप क्या बताएंगे, आप काय के लिए इधर इधर आओ, इधर इधर आओ, आप आ जाओ दीदी, कोई भी आ जाओ, आओ ना इधर आओ, आओ ना इधर आओ ना थोड़ा इधर आओ ना थोड़ा, जो हम थोड़ा सा लोगों से भी जानेंगे, ये तो हम राशन की दुकानदारों ने बताया, लेकिन लोगों की भी भावनाएं हमको जरूर, क्या बताओगे आप किट के लिए आए हैं? सर किट वीट कुछ नहीं आने वाली आपकी, ये सब छूते हुए लोगों को। अच्छा सरकार जो भी है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं गुमराह? ये कब करेंगे जो दे रहा किट, किट किट कौन दे रहा आप? किट कहाँ से आ रही है? आप दिवाली कल की है, कब देंगे आप लोग किट? बराबर क्या टाइम लोग खराब बनाएंगे? इससे बेहतर लोगों को ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, किट पे अपना जो है वो करो, बस रेगुलर जो राशन मिलता है उसके ऊपर ये सरकार ने नहीं देना चाहिए था। मत हो ना किसी किट के ऊपर, आप लोग क्यों डिपेंड है किसी किट के ऊपर में? आपके क्या वो किट नहीं है तो क्या आपको दिवाली नहीं मनी क्या? बराबर देखिए लोगों का क्या कहना है, देना है तो पहले ही माल पहुंचा दो, अगर नहीं देना है तो अलाई नहीं मत करो। जब दिवाली जाने के बाद में कोई मतलब ही नहीं है ना भैया, बोलिए ये दिवाली जाने के बाद में आपकी किट आई तो कोई मतलब नहीं है ना उसके लिए, जब भूखे पैसे लोग गौर गरीब है आशा लेके बैठे, अभी तक किट नहीं पहुंची है तो क्या करेंगे ये? दिवाली जाने के बाद में क्या करना है? आज भूखा एक रोटी की, कल हमको चार रोटी देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हम किट के लिए आई, अवेलेबल नहीं है तो क्या मतलब है? ये लोगों को झूठा आश्वासन देना ये बंद कर दीजिए, समझे क्या ये बातें है? लोग आशे से जगते हैं समझे, और जग रहे हैं, वो उनके गरज नहीं पूरी हो पाऊंगी तो क्या क्या मतलब है वो दिवाली का, क्या मतलब है अब ये बताइए मुझे। सरकार भी दे रही थी तो अच्छा ही दे रही थी, सरकार दे रही थी लेकिन अभी तक पहुंची नहीं ना, ये तो गरीबों की हित की बात कर रही है। तो सरकार बोलती है गरीबों की हित कर रही है तो कहाँ आया है सरकार, सरकारी माल कहाँ आया और कहाँ है? ये सब लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ पकवान दिवाली का बनना चाहिए, क्या क्या पकेगा? चावल और गोभी पकेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पकेगा ना, फिर क्या कर रही है सरकार? कहने का मतलब है लोगों को झूठा आश्वासन देके यहाँ पे किट नहीं आई, लोग इंतजार में बैठे है, घर के लोग बच्चे ये सब बैठे है ना, किट मिलेंगी क्या? कहेंगे आप सरकार को अभी? अब क्या कहना है, अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्या कहना है अभी? कुछ नहीं कहना है ना, क्या बोले? राशन कार्ड वाला ऐसा है कि झूठा बोलता नहीं, जो आता वो बरोबर देता है भैया, वो इतना इंसान अच्छा है वो। अच्छा राशन कार्ड वाला अच्छा है, देता है आया तो देता है वो। अच्छा ऐसा नहीं कि आया तो माल देता नहीं, देता है। अच्छा अच्छा, पर वो आया नहीं तो दे नहीं रहा, दे नहीं रहा वो आने के बाद। अम्मा आप आए बाबा समय बुड्ढी को कौन खिलाने वाला है? कुछ पूरन की रोटी वोटी बनाएंगे खाएंगे शक्कर। तो सरकार सरकार ने दिए कर की पूरन की रोटी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनती थी क्या? बनी क्यों नहीं, आस बहुत बड़ी रही थी बेटा। अच्छा, सरकार ने दिए आश्वासन की आस है आपको? आश्वासन की आस है कि आया तो माल देता है, ऐसा की सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसकी आस लोगों को है, मगर वो जो आस है सरकार ने जो वहाँ पे किट नहीं भेजने से लोगों की जो आशा है वो दिवाली के पहले ही निराशा हो गई है। तो लोगों का यही कहना है, तो आश्वासन अगर दिया है किट का तो वो राशन की दुकान तक के पहुंचाना चाहिए। कल की दिवाली है मगर आज तक के उनको राशन की पूरी किट मिली नहीं है, और वो किट के अंदर में भी दो चीज आए हैं दो चीज नहीं आए हैं, और जो खास करके मैं बताऊंगा जो दुकानदारों ने हमारे पास में बताया है कि जो ये वो किट के अंदर में वो झोले में डालने वाले थे किट, वो झोले भी यहाँ तक के पहुँचे नहीं है, जिसके कारण दो वस्तुएं अभी राशन की दुकानदार नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 600 के ऊपर में नागपुर शहर में दुकानें हैं, मगर किसी भी दुकान में अभी तक के पूरी किट नहीं पहुंची है, ऐसी ही जानकारी हमारे WH न्यूज के पास में आई है। तो ये मैं सरकार से भी ये हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आपने जो आश्वासन दिया है दिवाली के पर्व पर जो चार चीज किट के अंदर में देने का, वो आश्वासन पहले ही आपने 8 दिन के पहले ही पूरा करना था ताकि लोगों के घर की दिवाली अच्छी बनी, मगर आप जो है ये लोगों के घरों तक के किट पहुंचाने में सरकार ही नाकाम हुई है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दे। धन्यवाद।